देश भर में बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और अब इंतजार हो रहा है शाम का, जब रावण दहन के साथ इस त्योहार का समापन हो जाएगा। हम इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बिट्टन मार्केट इलाके में मौजूद है। ये वो इलाका है जहाँ पर बीते 41 सालों से रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा है। वैसे भोपाल में अगर हम बात करें तो दशहरा मनाने की परंपरा करीब 100 साल से ज्यादा पुरानी है। नवाबों के दौर से रावण दहन का कार्यक्रम भोपाल में होता रहा है, लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़ता गया, पुराने शहर से निकल के अब ये परंपरा नए शहर में भी आ गई है और 41 सालों से चली आ रही है परंपरा बिट्टन मार्केट इलाके में, जो आज भी रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले हैं उन्हें जला करके पूरी हो रही है। खास बात इस समिति की यह है कि यहाँ पर रावण का पुतला जो है उसकी ऊंचाई हर साल 1 फीट कम कर दी जाती है। इस साल 57 फीट का रावण है जो तैयार किया गया है और इसकी वजह बताई जाती है समिति के जो लोग हैं उनके मुताबिक कि जिस तरीके से समाज में बुराई व्याप्त है उसे हर साल एक तरीके से सांकेतिक स्वरूप में कम होना है, समाज से धीरे धीरे बुराइयों को खत्म करना है और उसी को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक रूप से रावण के पुतले की ऊंचाई भी हर साल 1 फीट कम कर दी जाती है। संजय सुमानी, महासचिव हूँ अरेरा राजधानी उत्सव समिति बिट्टन मार्केट दशहरे का, और हम 41वां विशाल दशहरा महोत्सव मनाने की तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं और प्रतिवर्ष हम लोग पुतले की ऊंचाई हम कम करते हैं। इस वर्ष रावण 57 फीट का, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले 53 फीट के हैं और जिस प्रकार ये बुराई के प्रतीक पुतलों का दहन हम करते हैं उसी प्रकार समिति संदेश देना चाहती है पूरे समाज को कि बुराई को हम कम करें तभी हम एक अच्छे समाज की रचना कर पाएंगे। समिति इस वर्ष आसमानी आतिशबाजी पर विशेष ध्यान दे रही है जिससे दूर बैठे हुए दर्शक को भी आतिशबाजी का आनंद ले सकें और इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मना सकें। हम देख रहे हैं फीट का रावण इस बार तैयार किया गया है। खास बात यह है कि भोपाल में जिस तरीके से तेज बारिश हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए इस बार रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को बकायदा लेमिनेशन करके खड़ा किया गया है ताकि बारिश की वजह से ये पुतले गीले ना हो और रावण दहन का कार्यक्रम देखने आई जो जनता है वो यहाँ से मायूस होकर के ना जा सके। साफ है कि 9 दिनों तक चलने वाला नवरात्रि का त्यौहार, उसके बाद दशहरा का त्यौहार अब अपने समापन की ओर है। बस अब इंतजार शाम का है, उस घड़ी का है जब भगवान श्री राम वध करेंगे रावण का और रावण दहन के साथ ही 10 दिनों तक चलने वाले नवरात्र के त्यौहार का समापन हो जाएगा। रवीश पाल सिंह, भोपाल।